फ्रेंड्स, वेलकम टू माय द्विजा। आज हम लोग बात करेंगे डॉक्टर अल्पेश कुशवाहा, मास्टर्स सर्जन स्पेशली ईएनटी केयर को लेके। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डॉक्टर अल्पेश, जो बहुत सारे मदर्स को आता है कि मुझे कैसे पता चलेगा मेरा बच्चा अच्छे से सुन रहा है, या अगर एज अ पेरेंट मुझे लगता है कि शायद से मेरा बच्चा नहीं सुन रहा है या जानबूझ के मेरी बातों को निग्लेक्ट कर रहा है, तो क्या कोई न्यूबॉर्न को लेके कोई चेक या कोई चीज करना चाहिए, और फ्यूचर में बच्चों को लेके हियरिंग लॉस या कम सुनने की चीजें किसकी वजह से हो सकती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बेसिकली देखिए, आजकल जो मॉडर्न साइंस है उसमें एट बर्थ आप बच्चे का हियरिंग चेक कर सकते हैं। तो देर आर सर्टन टेस्ट्स विच कैन बी डन। तो उसमें एक होती है ओटोकॉस्टिक एमिशन करके, और एक ब्रेन स्टेम इवोक्ड रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री, यानी एक छोटे बच्चे का आप सुनने का क्षमता कैसा है ये एट बर्थ भी चेक कर सकते हैं। काफ़ी वेस्टर्न कंट्रीज में जहाँ पे एडवांस्ड मेडिकल साइंस प्रैक्टिस होता है, वहाँ पे ये अभी मैंडेटरी हो चुका है कि आपको एट बर्थ बच्चे का हियरिंग स्क्रीनिंग, यानी वो बच्चा कैसा सुनता है ये चेक करना है, और उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो उसको आगे रेफर करना है स्पेशलिस्ट के पास। डॉक्टर, ये अफोर्डेबल है लेमैन के लिए? नॉट एग्जैक्टली। वहाँ पर ऐसा है कि ये गवर्नमेंट स्कीम्स के अंडर आता है तो वहाँ अफोर्डेबल है। यहाँ पे अभी भी ये एज अ रूटीन नहीं किया जाता, एज अ मैंडेटरी नहीं किया जाता। काफ़ी हॉस्पिटल्स में ये एडवाइस होता है, उस हिसाब से पेशेंट्स कैन सिलेक्ट इफ दे रियली वांट टू डू इट। इट इज़ नॉट अ मैंडेटरी टेस्ट इन इंडिया एज अ किड। सो डॉक्टर, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं अगर जेनेटिकली फैमिली में कुछ हिस्ट्री है तो कंपल्सरी प्लीज चेक करवा के लो, अगर नहीं है तो यस, ट्रस्ट योर डॉक्टर और आपके हिसाब से जैसे आगे जाना है वैसे जा सकते हैं। यस, बट इट्स एडवाइजेबल। या इट इज एडवाइजेबल इफ यू कैन अफोर्ड इट एंड इफ यू हैव दैट ऑप्शन यू शुड डू इट। सेकेंड, जैसे कि अगर नॉर्मली आपको पता चल जाता है कि आपके बच्चे का हियरिंग कैसा है, तो अगर आपका बच्चा नॉर्मल रिस्पॉन्स या नॉर्मल साउंड्स को रिस्पॉन्स दे रहा है तो इसका मतलब फेयरली नॉर्मल हियरिंग होना चाहिए बच्चे का। बट नॉर्मली जब पेरेंट्स को लगता है कि बच्चा कम सुन रहा है, मतलब देयर हैज़ टू बी अ प्रॉब्लम। ओके, ऐसा आपको ऐसा नहीं लगेगा नॉर्मली, क्योंकि जब हमारे पास पेरेंट्स आते हैं तो इवन द पेरेंट्स आर कन्फ्यूज समटाइम्स कि वो सुन नहीं रहा है या वो जानबूझ के कर रहा है या हम ज़्यादा एंग्शियस हो रहे हैं। बट आर एडवाइस इज कि आपको अगर 1% भी लगता है, गेट इट चेक्ड, बिकॉज दैट इज इम्पॉर्टेंट। ओके डॉक्टर, ये ईयर केयर में भी अप्लीकेबल है क्या? जो ऑलमोस्ट सारे डॉक्टर्स बताते हैं कि आप जितना जल्दी डॉक्टर के पास आओगे उतना आपको पीसफुल होने में और ट्रीटमेंट शुरू होने में बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकता है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि काफ़ी यंग बच्चों में हमको मालूम है कि कोल्ड बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, राइट? सर्दी बहुत होती रहती है, और सर्दी की वजह से बहुत बार कान अफेक्ट हो जाते हैं, तो कान में पर्दे के पीछे सर्दी जम जाती है जिसकी वजह से उनको सुनाई देने में प्रॉब्लम होता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये कान का पर्दा है, ये पर्दे के पीछे यहाँ पे सर्दी जम जाती है। ये होता है क्योंकि एक कान का और नाक का एक रिलेशन होता है थ्रू अ ट्यूब, इसको हम यूस्टेशियन ट्यूब बोलते हैं। तो ये ट्यूब अफेक्ट हो जाती है छोटे बच्चों में बहुत ईजिली, क्योंकि ये ट्यूब का अभी तक डेवलपमेंट पूरा नहीं हुआ होता है। तो बच्चों में सर्दी का इफेक्ट कान की तरफ बहुत इजीली आ जाता है, तो आइदर इसकी वजह से कान में दर्द होना या सुनाई कम देना ऐसा होता है। हर बार बच्चा कंप्लेन नहीं कर पाता, जब तक पेन ना हो तब तक बच्चा कंप्लेन नहीं करता। जैसे अडल्ट्स को ब्लॉकेज भी समझ में आ जाता है कि अपना कान ब्लॉक हो गया है, बच्चों को ये समझ में नहीं आता है। तो ऐसे केसेस में बहुत बार पेरेंट्स को लगता है कि बच्चा सुन नहीं रहा है या रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, हमने छोटे आवाज़ में बुलाया तो रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाके चेक करवाना है कि कहीं यहाँ पे सर्दी तो नहीं जम रही है। जैसे अगर हमारे पास पेशेंट जल्दी आता है और हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं तो ये सर्दी यहाँ से निकल जाती है और बच्चा सही से सुन पाता है। तो इसमें एक फ़ायदा तो ये है कि बच्चा अच्छा सुनेगा तो उसका डेवलपमेंट अच्छा होगा, और सेकेंड फैक्टर ये है कि अगर सर्दी बहुत दिनों तक यहाँ पर जमा हुई रहे तो ये पर्दे को इफेक्ट करने लगती है, ये आपका पर्दा पतला होने लगता है। तो इसमें काफ़ी बच्चों को बचपन में कान की तकलीफ होती है और उनको बड़े होने के बाद कान के ऑपरेशंस लगते हैं। इसका कारण हम आज भी लोगों को ये बताते हैं कि आपको बचपन में सर्दी रही होगी और उसकी वजह से आपके कान के पर्दे खराब हो गए। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट ट्रीटेड एट द राइट पॉइंट। वाओ, मुझे डॉक्टर के बोलने से इनफैक्ट ऐसा लगता है कि बच्चों के केस में वी हैव टू बी मोर कॉन्शियस, बिकॉज वो उनके लाइफ टाइम आगे चल के अफेक्ट करेगा। राइट, थैंक यू। नेक्स्ट वेरी
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, स्पेशली बच्चों की सुनने को ही लेके। डॉक्टर, बच्चों में हियरिंग एड की जरूरत पड़ना या किसी बच्चे में एक्चुअली हियरिंग लॉस होना, क्या ये कॉमन है और क्या ऐसे बच्चे नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं? यस, तो अभी जैसे मैंने बताया कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको अगर लगता है कि बच्चे को कम सुनाई दे रहा है तो आपको उसको टेस्ट करवाना चाहिए। तो इसमें ज़्यादा कॉमन तो हमको ये देखने को मिलता है कि सर्दी की वजह से जो कान के ऊपर इफेक्ट हो गया, जो मैंने अभी आपको बताया। लेकिन हाँ, अगर आपको फैमिली हिस्ट्री रहेगा, और कभी कभी फैमिली हिस्ट्री ना भी रहे तो आपको ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं जहाँ पे बच्चा बॉर्न डेफ होता है। तो ऐसे केसेस में बहुत बार इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अर्ली आइडेंटिफिकेशन करो। तो इसमें आप जितना जल्दी आइडेंटिफाई करोगे और जितना जल्दी पेशेंट को हियरिंग एड लगाओगे, उतना उसका स्पीच डेवलपमेंट और न्यूरो डेवलपमेंट अच्छा होगा। तो बहुत बार इसमें हियरिंग एड्स लगते हैं। आजकल नए सर्जरीज भी आए हैं जहाँ पे पेशेंट को हियरिंग एड नहीं सूट होता है, या फिर लॉस इतना ज़्यादा है कि हियरिंग एड हेल्प नहीं कर रहा है। तो कॉक्लियर इम्प्लांट नामक सर्जरी होती है जो करने से बच्चा सुन सकता है। तो डेफिनेटली इससे फ़ायदा होता है। और काफ़ी मैंने देखा है हमारे इंडियन सोसाइटी में एक बेसिकली रेजिस्टेंस होता है जब हम हियरिंग एड की बात करते हैं। वो रेजिस्टेंस बूढ़ों के लिए भी है, तो बच्चों का तो आप सोच ही सकते हैं क्या होगा हाल। तो वो सोचते कि नहीं, इतना छोटा है तो हियरिंग एड कैसे लगाए। छोटा है इसीलिए लगाना है क्योंकि वो टाइम निकल गया तो आप बाद में जो हियरिंग एड लगाने से बेनिफिट मिलेगा, लगाना तो है ही आपको। आप आज उसको रेजिस्ट करोगे लेकिन आगे जाके वो लगाना पड़ता है, तो आपको जो बेनिफिट मिलेगा वो कम रहेगा। क्योंकि उसका तब तक आपको भी मालूम है 5 साल तक न्यूरो डेवलपमेंट सबसे फास्ट होता है, 90% न्यूरो डेवलपमेंट हो जाता है। और आप 7, 8, 9, 10 के बाद लगाओगे हियरिंग एड तो तब तक बच्चे का स्पीच भी डेवलप हो गया है, न्यूरो डेवलपमेंट भी हो गया, तो इतना फायदा आपको नहीं मिलेगा। सो क्रूशियल, आई थिंक मैंने दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें चेक की, दो इंपॉर्टेंट बातों को टच किया कि कान का केयर तुम्हारे न्यूरल डेवलपमेंट प्लस स्पीच के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कान अपने आप में बहुत सारी चीजों को, बच्चों को रिस्पॉन्ड करना सिखाता है। सो जस्ट टेक केयर पेरेंट्स, बच्चों ने अभी रिस्पॉन्ड नहीं करना इसका मतलब ये नहीं कि परमानेंट है। इनफैक्ट ही सेड मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स लाइक जनरल कोल्ड या इसकी वजह से ही रहेगा, वो क्योर भी हो सकता है और बहुत इजीली क्योर हो सकता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर अल्केश, वी विल सी यू ऑल इन नेक्स्ट सेगमेंट अबाउट बच्चा कान खुजाता क्यों है।